गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है हमारा डे 6 और सुबह के 4:45 बज रहे हैं। आज हमारा दिन बहुत ही जल्दी शुरू हुआ है। आज हमारा लास्ट डे भी है कैपेडोकिया में। फॉर अ चेंज आज का वेदर बहुत अच्छा है, इट्स प्लेजेंट। ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, हवा भी नहीं है, तो आप समझ ही गए होंगे हम इतना जल्दी क्यों उठे हैं। हमारा कल एयर बलून था जैसे हमने बोला, बट ड्यू टू वेदर वो कैंसिल हो गया था। हार्ट ब्रोकन हो गए थे हम लोग, बट लकीली हितेश ने ऑनलाइन आज की डेट का भी एयर बलून बुक कर लिया और लकीली आज एयर बलून हो रहा है। तो फिंगर क्रॉस, अभी हम जब तक वहाँ पहुँचेंगे नहीं हमें विश्वास नहीं होगा। सो लेट्स सी आज कैसा जाता है दिन, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत एक्साइटेड है हम लोग। करेक्ट। जब तक कल शाम तक हमें पता नहीं चला था होने वाला है नहीं होने वाला है, तो पेट में बुड़बुड़ हो रही थी, बट फाइनली कल शाम को 7 बजे हमें कंफर्मेशन मिल गया हमारा कल एयर बलून। उर्मी को थोड़ा लेट कंफर्मेशन मिला था। हाँ, इसने बहुत मुझे तंग किया है उस रिलेटेड। ऑल्सो पिछले 4 दिन से यहाँ एयर बलून कैंसिल हो रहा है ड्यू टू विंड कंडीशन, वेदर कंडीशन। तो आज का प्राइस बहुत हाई है, इट इज़ लाइक 250 यूरोज पर पर्सन और बहुत फुल भी है। बट लकीली हितेश को ऑनलाइन अमाउंट 25,000 में हम दोनों का मिल गया, विच इज़ ऑलमोस्ट 250 यूरो फॉर 2 पर्सन। हमने जो कल का बुक किया था वो तो 100 यूरो पर पर्सन था, बट ठीक है, हमें फिर भी कंपेयर टू एवरीवन बहुत चीप रेट मिला है। ऑल्सो अभी हम फिलहाल हमारे होटल के बाहर वेट कर रहे हैं, हमारी शटल का वेट कर रहे हैं, क्योंकि एयर बलून में पिकअप और ड्रॉप वो लोग होटल देते हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आर यू एक्साइटेड हितेश? वेरी एक्साइटेड। आई एम एक्साइटेड फॉर यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के 6:15 हो रहे हैं। अभी हम हमारी बलून साइट पे पहुंच गए हैं और आप जैसे देख सकते हो यहाँ सब बलून फुगा रहे हैं। आई डोंट नो अभी को कैसे बोलते हैं कि, बट हाँ, तो यहाँ आप देख रहे हो वी आर ऑलमोस्ट रेडी और हमें कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक दिया गया है, ये है गोजले में और टी जो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अभी मैं और हितेश फटाफट खाएंगे क्योंकि 5-10 मिनट में हमें हमारी जगह पे पहुंचना है। सो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, तो हम हमारे एयर बलून की तरफ चल के जा रहे हैं। लेट्स सी कैसा रहता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब थोड़ी सी ठंडी भी बढ़ गई है, बट लकीली देर इज़ नो विंड प्रेशर, तो सब सही होगा। मेरा और हितेश लाइफ का फर्स्ट एयर बलून है ना। जैसे आप देख रहे हैं हम सुपर एक्साइटेड थे आज के एडवेंचर के लिए, बट बिफोर वी स्टार्ट हमारे पायलट ने हमें थोड़ी सेफ्टी गाइडलाइंस बताई और हम ये चल पड़े। कैपेडोकिया में कुछ 3 से 4 स्पॉट है जहां से एयर बलून फ्लाई करते हैं। हम जहां थे उस जगह का नाम था सोगानली वैली। द व्यू वॉज अमेजिंग।
हमारा पायलट भी हमें काफी एंटरटेन कर रहा था। हमने हमारे बलून से बहुत ही अच्छा सनराइज भी देखा। वाइब्स बहुत ही रोमांटिक थे। दिस इज द मस्ट थिंग डू फॉर श्योर। आई वॉज फीलिंग सो ब्लेस्ड। हमारी पूरी राइड 1 घंटे की थी, जिसमें हम काफी बार एकदम ऊपर आसमान में तो कभी पहाड़ के एकदम नजदीक से गुजर रहे थे, और लैंडिंग हमारी कुछ इस तरह हुई। हमारा बास्केट लॉक हो गया है ट्रेलर पे, और हम लोग लैंड हो गए। हमने सबने तालियां भी बजाई इनके लिए, क्योंकि उन्होंने हमें सेफली लैंड कर दिया। ओके, हाउ वाज द फ्लाइट? एंजॉय? नाइस? यस। ओके, शैंपेन शॉवर? या। ओके, 1, 2, 3, 4. तो हमारा एयर बलून राइड खत्म हो चुका है, और हम लोग अभी उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा बाय द वे नॉन अल्कोहलिक शैंपेन। हाँ, बट सुबह सुबह तो ठीक है, फील तो दे ही रहा है। एनीवेज, अच्छी ठंडी हो रही है, हवा नहीं है। हमारा एयर बलून राइड बहुत सुपर था, बहुत अमेजिंग था। तो अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विद शैंपेन एंड सम कपकेक्स, और हम आपको जल्दी नेक्स्ट अपडेट देते हैं। एयर बलून के अमेजिंग एक्सपीरियंस के बाद हमें वापस हमारे होटल छोड़ दिया, और वहाँ हमने जमकर ब्रेकफास्ट किया। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हमने चेकआउट किया और थोड़ा गोरेमी एक्सप्लोर किया। काफी रिसर्च करने के बाद हमने डिसाइड किया टू विजिट उरुगू भमा, जो गोरेमी से 15 मिनट दूर था। एंड आई हैड द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ हमाम इन द वर्ल्ड। ऑल्सो इन्होंने फ्री पिकअप एंड ड्रॉप भी किया था। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम टर्किश बाथ हमाम पहुंच गए हैं, और ये कुछ ऐसा दिखता है। हमें एंड में एप्पल टी बिस्किट्स और कैंडीज दी गई, और हम लोग बहुत फ्रेश हो गए। थैंक यू सो मच। ओके, सो इफ यू वांट टू कम एंड विजिट कैपेडोकिया, प्लीज कम टू रुगूप टर्किश बाथ, because this is brilliant. We had an amazing time here. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. Are you ready to go? Yes. Okay, let's go. Good evening everyone. रात के 9:15 बज रहे हैं, और हमारा कैपेडोकिया का सफ़र आज शाम को ही ख़त्म हो गया। हम बहुत मिस करने वाले हैं। हमने स्पेशली आज शाम को सनसेट देखा, और वहाँ बहुत मज़ा भी आया। हम लोग करीबन 8:30-8:30 बजे गोरेमी से निकल गए हैं, और सुबह 7:30-8 बजे इस्तांबुल पहुंच जाएंगे। एज़ यूजुअल हम बस में हैं, बट इस बार हम आखिरी सीट में बैठे हैं, क्योंकि हमारा एयर बलून फिक्स नहीं हो रहा था। तो हमने एंड टाइम तक इस्तांबुल की टिकट बुक नहीं की थी, बिकॉज वी वर नॉट श्योर वेदर वी विल बी एबल टू, यू नो, हमको ऐसा था कि अगर एयर बलून नहीं हुआ तो हमें एक और दिन रुकना पड़ेगा। सो हमने बहुत एंड टाइम कल रात को टिकट बुक की, आफ्टर वी गॉट द कन्फर्मेशन फॉर एयर बलून, और उसके नतीजे में हमें लास्ट सीट मिली है, जो ढंग से रिक्लाइन भी नहीं होती। बट फिंगर क्रॉस, जर्नी उतनी है नहीं, 7-8 घंटे की है। एनीवेज, सो आई गेस मोस्टली हम लोग अभी आधे घंटे में सो ही जाएंगे, और 80% ऑफ द सफ़र तो हम, मुझे लगता है, हम लोग सो के निकालने वाले। तो ये था हमारा day 6, और हम लोग की टोटल ट्रिप में मतलब 80% तो कंप्लीट हो गया। करेक्ट। हाँ, अभी 20% ही बाकी है। यस, फिर सीधा मुंबई, बैक टू वर्क। हाँ, नहीं जाना। एनीवेज, तो हम आपको कल मिलते हैं। सी यू एंड गुड नाइट। एंड ऐसे हमारा आज का day 6 खत्म होता है। आज का टोटल कॉस्ट हुआ 9,236 टर्किश लीरा, जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 27,000 इंडियन रुपीस। अगर आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और आपको हमारा व्लॉग का फेवरेट पार्ट कौन सा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप ट्रैवलिंग। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।